हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग इंटरमीडिएट का जो अभी अभी एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन है तो बाद में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट देख लीजिएगा, क्योंकि जल्दी में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इट मे बी कि कुछ गलतियाँ हो सकती है। ऐसे कोशिश करेंगे सभी का सभी आंसर आपको सही मिले। तो पहला क्वेश्चन, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है, तो लाल रंग का मान 2 होता है, याद रखिएगा, पहला का सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस की क्षमता डायोप्टर में होगी, तो 5 डायोप्टर होगा, चूंकि सेंटीमीटर में फोकस दूरी है तो 100 बटा एफ कीजिएगा, तो दूसरा का बी हुआ। पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहिक वाहक होते हैं, इलेक्ट्रॉन छिद्र होते हैं, तीसरा का बी हुआ। चौथा क्वेश्चन जो है, लॉरेंज फोर्स के लिए कौन सा व्यंजक सही है, तो एफ इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी होता है, क्यू कॉमन लिए तो चौथा का ये होगा। पांचवा, नाभिक में अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है, तो 2 से घटता है, 5 का बी। छठा, कैथोड किरणें होती है, कैथोड किरणें बेसिकली इलेक्ट्रॉन होती है, छठा का ए। सातवां में है, किलो वाट घंटा मात्रक है तो विद्युत ऊर्जा का, 7 का बी। आठ में है, निम्न नाभिकों में कौन सा कम अस्थाई है, तो लेस स्टेबल आपका कार्बन 12 कार्बन है, इजी कार्बन डेटिंग पद्धति इसमें होती है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ने पर उसका आवर्धन बढ़ता है, 9 का ए। 10 देखिए, प्रकाश का वेग महत्तम होता है तो निर्वात में होता है, तो 10 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई बीटा इक्वल टू लेमडा डी बाई डी, जहाँ डी स्मॉल डी जो है स्लिट्स के बीच की दूरी है, कैपिटल डी जो है बोर्ड और स्लिट्स के स्क्रीन के बीच का दूरी है। आमीटर का प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, 12 का ए। 13, एम द्रव्यमान एवं भी वेग गतिमान कण की तरंग दैर्ध्य लेमडा इक्वल टू एच बटा एम भी, 13 का बी। 14 नंबर, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए आप क्या लगाइएगा, कौन सा कथन सही है, तो 14 का ए, 14 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशीय पथ बराबर होता है, तो प्रकाशीय पथ बराबर होगा अपवर्तनांक इंटू पाथ की लंबाई के बराबर होगा, 15 का ए। 16, प्लांक्स अस्थिरांक का बीमा, तो ये निकाल लीजिएगा, 16 का ए ऐसे आता है, जल्दी जल्दी में निकाले हैं। 17, लोहा होता है तो लौह चुंबकीय, इप्सिलन 0 का मात्रक होता है तो फैराड प्रति मीटर, 18 का बी। 19, 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल पर कूलम के बराबर होता है, 19 का बी। 20, 1 गर्म तार एमीटर मापता है तो प्रत्यावर्ती धारा का मूल्य मध्यमक, प्रत्यावर्ती धारा का तत्कालिक शिखर मान इसका आप लगाइए, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, सॉरी 20 का ए। अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, तो अपचाई ट्रांसफार्मर मतलब कि स्टेप डाउन, स्टेप डाउन के लिए कौन सा घटेगा, तो वोल्टेज घटता है, 22 का बी हो गया। गामा किरणें होती है एक्स किरणें जैसी, 22 का डी। 23, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, 23 का ए। 24, चुंबकीय लंबाई, ये तो क्वेश्चन कराया हुआ था, मैग्नेटिक लेंथ इक्वल टू 5/6 गुने ज्योमेट्रिकल लेंथ, 24 का ए। 25, तेजी से चलने वाली बीटा किरणें आपका क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन, 25 किसी जगह का नमन कोण हो तो बी वर्टिकल कंपोनेंट बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, 2 समानांतरता वाले समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उसकी प्रति कैपेसिटी 2C हो जाएगी, समानांतर क्रम में जोड़ा गया, 27 का ए। 28, निम्नलिखित में कौन सा चुंबकीय तरंग नहीं है, तो आपका एक्स किरणें ध्वनि तरंगे नहीं है, 28 का सी। नाभिक का घनत्व होता है, तो नाभिक का घनत्व 2.99 × 10⁻¹⁷ निकाले थे, 29 का सी। निम्नलिखित में कौन सा वोल्ट प्रति मीटर, तो विद्युत क्षेत्र का होता है, 30 का डी। 31,
एक एएमयू बराबर होता है, एक एएमयू 1.6 × 10⁻³ केजी के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा का अपवर्तनांक 2.42, सबसे ज़्यादा हीरा का अपवर्तनांक होता है, 32 का सी, ये तो 11001 का 2 ऐसे, इस बार एक देख लीजिएगा 33 का सी, चूँकि मेमोरी बेस्ड हम बता रहे हैं निकाले नहीं है, 33 का सी, 34 नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी विषुवत रेखा की ओर जाने पर, आपका विषुवत रेखा की ओर जाने पर बढ़ेगा, आवेश का बीमा होता है, तो Q=IT, तो आपका Q=IT, तो एम्पियर टाइम हो जाएगा, 35 का ए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर जो होता है, बामर श्रेणी वो विजिबल क्षेत्र में होता है, 36 का बी, 37 निकट दृष्टि दोष के लिए आपका व्यवहार में लाते हैं, कनकेव लेंस, अवतल चिन्ह जो है एंड गेट, एंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 38 का डी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की, 39 का डी, 40 एलआर परिपथ का प्रतिबाधा होगा, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, 40 का डी, 41 रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही नहीं है, तो सही कौन सा संबंध सही है, तो आपका डी हो जाएगा, 42 आवेशी संघट के बीच आवेशों का योग होता है शून्य होता है, चूँकि एक पर पॉजिटिव दूसरा पर निगेटिव आवेश होता है, तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चन का हल किया है, कुछ क्वेश्चन कन्फ्यूजन में है उसका आप देख लीजिएगा। थैंक यू। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें आप अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद।